मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिठाई खिलाई जा रही है। उनकी पत्नी और गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन को भी मिठाई खिलाई जा रही है। खास बात ये कि मिठाई खिलाने वाली ये महिलाएं कोई वीआईपी नहीं बल्कि आम झारखंडी हैं, जिनको सरकार के एक फैसले ने शायद जीवन की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंची पोषण सखी दीदियों ने मुलाकात कर सीएम के प्रति आभार प्रकट किया। गुरुवार को ही कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने पूर्व में कार्यरत अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण परामर्शी यानी पोषण सखी की पुनर्बहाली की स्वीकृति दी। सरकार के इस फैसले के बाद पोषण सखियों में खुशी की लहर दौड़ गई। शुक्रवार को पोषण सखी दीदियों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए मिठाई खिलाने का फैसला किया। इस दौरान पोषण सखी दीदियों ने सीएम से कहा कि राज्य सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से हम सभी पोषण सखी काफी हर्षित और उत्साहित है। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने पोषण सखी दीदियों से कहा कि पिछले 4.5 सालों में उनकी सरकार ने राज्य हित में कई अहम फैसले किए हैं। राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण नीति का निर्धारण भी किया गया है, जिसका लाभ राज्यवासियों को मिल रहा है। सीएम ने कहा कि सभी वर्ग समुदायों को उनका हक और अधिकार उपलब्ध कराने के साथ साथ राज्य की नारी शक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी सरकार समर्पित रही है। राज्य सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजनाओं को गांव-गांव घर-घर तक पहुंचाने का काम किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड वासियों की उम्मीदों आकांक्षाओं और भरोसे के अनुरूप योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। उनकी सरकार आने वाले दिनों में भी जनहित का कार्य निरंतर करती रहेगी। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन पीडीएफ। द फॉलो अप डॉट इन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in।